शहरयार भाई, फरहान बोल रहा हूँ। जी हाँ सर, अस्सलाम वालेकुम फरहान साहब। हाँ वालेकुम सलाम। शहरयार भाई, ये जो 370 आर्टिकल का जो ब्रीफ आया है, ऑर्डर है, जो आपने पढ़ा होगा, उसका जरा क्लियर कट ब्रीफ मतलब बताइए, इसका क्या मतलब है? फरहान साहब, ने वो ऑर्डर पढ़ा, उसमें लिखा है कि ऑर्डर पास हुआ है इन कंसल्टेशन, इन कंकरेंस विद द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ऐसा कहता है ऑर्डर के, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के कंकरेंस के बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ये ऑर्डर इश्यू किया है। अच्छा जी। अब इसकी इसकी इन्फॉर्मिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल इन्फॉर्मिटी क्या है बोले तो, जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट कहाँ है? वहां पे देर इज नो इलेक्टेड गवर्नमेंट, देर इज नाउ इट इज डिसॉल्वड। पीडीपी और बीजेपी बनाए थे, डिसॉल्व हो गया ना। ये किस तरह का ऑर्डर है जहां पे पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट के कंकरेंस के बगैर आप एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास करते हैं? 1951 और 1956 के बीच में भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी कश्मीर में, जिसका कंकरेंस लेके ऑर्डर्स पास करते थे। ये दे हैव टेकन द परमिशन ऑफ ए सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड गवर्नर एंड पास दिस ऑर्डर। अब ये डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा ये। इसके बाद दूसरी देखिए, तो सबसे लास्ट, सबसे ये था प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था 1954 का, वो ऐसा था। देखिए इनका ऐसा ऐसा है, एक बार गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कंकरेंस देती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, प्रेसिडेंट पास करता है, मगर वो कानून क्या है बोले तो, गवर्नमेंट ऑफ जे एंड के कंकरेंस देने के बाद भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रांत है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फाइनल रेटिफिकेशन करना, ठीक है ना। अब तो 1957 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो डिसॉल्व हो गई थी। उसने क्या करे, नेक्स्ट जो भी कानून हिंदुस्तान के कानून कश्मीर को लगाने थे, जो लास्ट प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था 1954 का, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिंदा थी, उसी ऑर्डर को मैनिपुलेट करके डाले। मतलब ये ऑर्डर है 1954 के अमेंडमेंट, ये ऑर्डर है 1954 का अमेंडमेंट बोल के डाले, बिकॉज दे कुड नॉट इन्वोक अनदर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर सिंपली बिकॉज देयर वाज नो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है ना, ये भी बहुत बड़ी इन्फॉर्मिटी है। आज आप ये जो ऑर्डर करे हैं, इसको रेटिफाई करने के लिए देर इज नो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। करेक्ट। तो ये किस हिसाब से ये 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 नया ऑर्डर लाके डाले, ये मेरे समझ में बिल्कुल नहीं आता। और दूसरा एक वहां पे है, ऑल द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट टाइम टू टाइम हुआ है, दैट शैल अप्लाई टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये जो प्रोविजन है, इसका मतलब जरा इंट्रीगिंग है। क्या इंडिया के जो भी पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है जम्मू एंड कश्मीर में, वो है? अगर वो भी हुआ तो आपको याद रखना कि आर्टिकल 370 वाज वेरी मच ए पार्ट ऑफ, एंड स्टिल आई थिंक स्टिल इट इज स्टिल टू फॉर अनदर टू डेज, इट वाज वेरी मच ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच वाज अमेंडेड। क्या ये लोग, क्या वो अमेंडमेंट 370 के मतलब 355 ये है जहां पे सिर्फ पीआरई जमीन खरीद सकते हैं, पीआरई को नौकरी मिलेगी, ये क्या जिंदा है या ये भी खत्म हो चुका है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट इस पर रोशनी डालना। सो आई थिंक इसकी दो इन्फॉर्मिटीज हैं, एक तो पॉपुलर गवर्नमेंट इसकी इजाजत नहीं दी, ये लोग गवर्नर से लेकर करे हैं, दूसरा प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रेटिफाई करना था, वो भी विदाउट द रेटिफिकेशन ये लोग करे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एनीवे इज नॉट देयर। इन लोगों को इतना तो करना था कि एक पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट को लेके ये गवर्नमेंट ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास करना था, वो नहीं करे इन लोग। तो और सुप्रीम कोर्ट बार बार बोल के है कि 370 इज अ परमानेंट फीचर, इट कैनॉट बी एब्रोगेटेड बाई एनीबडी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो भी करके हैं। तो इस ग्राउंड पे मुझे बिल्कुल ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा, जुडिशियल रिव्यू होगा, और सुप्रीम कोर्ट क्लियरली बोल गया है कि हर कोई कानून जो पार्लियामेंट बनाएगी उसे है ना सुप्रीम कोर्ट के पव्यू से बाहर नहीं है, वो इवन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कितना भी स्ट्रांग हो उसको जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। लेकिन ये सब के चक्कर में, ठीक है, अब कश्मीर के जनता का क्या होगा? क्योंकि आप कब तक कर्फ्यू लगा कर रखिएगा, कब तक आप लोगों को अंदर कैद करके रखेंगे, ये मामला सॉल्व कैसे होगा? आप मुझे इसमें सबसे बड़ी आयरोनिकल बात ये है कि आर्टिकल 35 और जो महाराजा हरि सिंह पहले बोला था कि कोई भी आके जमीन कश्मीर में नहीं लेना, कश्मीर फॉर कश्मीरीज बोल के स्लोगन उठाए सो पंडित्स, ये गलाटा करने के बाद इतना प्रेशर हरि सिंह के ऊपर डाल दिया ये कश्मीर के पंडित्स कि हरि सिंह को मजबूरन हेरिडिटी सब्जेक्ट्स ऑर्डर 1937 लाके, विच इज वेरी सिमिलर टू 35 ये, जहां पे बाहर के आदमी जमीन खरीद नहीं सकता, बाहर के आदमी को नौकरी नहीं मिल सकती जम्मू एंड कश्मीर में, ये ये ये
ये शुरू करे सो कैंपेनिंग कश्मीर के पंडित, आज जब मैं टीवी में देख रहा था वो लोग दूध दूध मिठाई बांट रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर की फोटो दूध में धो रहे हैं, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं हंसू या रो। ये कश्मीरियत बचाने के लिए मूवमेंट ही ये शुरू करे है और ये किस तरह के ट्रैप में फंस गए। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि वहां के कश्मीरी जो पंडित थे उन लोगों ने ये प्रेशर डाला था कि इस लॉ को लेके आओ क्योंकि लोग बाहर के लोग आके जमीन नहीं कर दे। ये लोग कश्मीर की ऑन रिकॉर्ड है, आप आर्टिकल 370 को ही भी जाके गूगल में देख लीजिए, प्रजा परिषद पंडित की ऑर्गेनाइजेशन स्पीयर हेडेड दिस मूवमेंट कश्मीर फॉर कश्मीरीज, ठीक है, 1920s में भी यही करे और 1952 में भी यही करे ये लोग। इसलिए 1952 में इन्हीं के कैंपेन से कश्मीर के मुसलमान भी करेगा, लेकिन सबसे ज्यादा ये करे कि कश्मीर फॉर कश्मीर इस मूवमेंट कौन करे, पूछिए जरा आप इनको। आज ये लोग मिठाई बांट रहे हैं, ये देखिए ये बात ये नहीं है 370 की बात नहीं है, ये इतना डिस्क्रिमिनेटरी है ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट करके है। ये लोग अगर 375 को ऑब्रिगेट करे तो मैं इनको डेयर करता हूं कि ये पार्ट 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें स्पेशल स्टेटस है, कितने ही स्टेट्स को ये स्पेशल कैटेगरी में करें उनका भी अब्रोगेट करके बताएं, तब मैं मानूंगा इनको कि ये बहादुर गवर्नमेंट है बोल के। नागालैंड में भी सेम है, नागालैंड में आप जमीन नहीं खरीद सकते, नागालैंड में आपको कुछ नहीं हो सकता, मिजोरम में भी ऐसा ही है। ये कश्मीर को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं? देखिए हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर्जिकल स्ट्राइक्स करने में वहां माहिर हैं, डिमोनेटाइजेशन सर्जिकल स्ट्राइक था, पाकिस्तान को भी ये सबक सिखाया, बिल्कुल हम उसका उसको हम इस्तकबाल करते हैं। ये भी 370 को पूरी तरह से स्क्रैप नहीं करना था, कुछ उसको ऐसे सर्जिकल स्ट्राइक करना था, सर्जिकली उसको क्लीन करना था जहां पे उनका जो कल्चर प्रिजर्व हो जाए, जम्मू एंड कश्मीर के लोगों का उनको डर ना हो, ये ऐसा कुछ करना था। ये तो बिल्कुल ही स्क्रैप कर देना, फ्लड गेट्स ओपन हो गए अभी कश्मीर में और ये इतना जल्दी नहीं जाएगा फरहान साहब, ये डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा, इसका रिव्यू होगा, ये बहुत बहुत बड़ा स्कैंडल होगा। देखिए आप नहीं, ये देखिए मेरे को इसका डर है कि भाई ठीक है सुप्रीम कोर्ट में आप कीजिए, कोर्ट के थ्रू तो टाइम लगता है वो सब होगा, लेकिन इस बीच में कश्मीरी में के बीच में हंगामा होगा, लोग क्या होंगे वहाँ, मेरे को उसकी फिक्र है कि लोकली लोगों के अंदर आज नहीं तो कल तो बाहर निकलेंगे, आप फोर्स 6 महीने लगा लीजिएगा। हिस्टोरिकल हिस्ट्री इसका गवाह है, दुनिया के हर कोने में जहां जहां इस तरह के इंटरवेंशन हुए हैं वहां पर अमन आना बहुत मुश्किल है, और ये जो 370 का स्क्रैप हुआ है, अब इसका मतलब ये है आज अगर स्क्रैप हो गया है तो उसका ये मतलब है फरहान साहब कि इंडियन गवर्नमेंट के सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में सिर्फ तीन सब्जेक्ट बचे हैं जिसपे वो कानून बना सकती है, डिफेंस, टेलीकम्युनिकेशन एंड फॉरेन अफेयर्स, क्योंकि द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया है, ये मैं कानूनी बात कर रहा हूँ आपको। तो मुझे मैं अभी वो क्लॉज 2 ऑफ द लेटेस्ट ऑर्डर पढ़ रहा था मैं कि द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट हैव बीन अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम शैल अप्लाई, ये मुझे जरा इंट्रीगिंग दिखा, क्या ये सर्जिकल स्ट्राइक है या नहीं, ये कल मालूम होगा, इसको डिटेल पढ़ के मैं बताऊंगा। जी ठीक है जी, ठीक है दर्शक भाई, अभी के लिए आप अच्छा इस पे रोशनी डालें, फिर कुछ अपडेट रहे तो बताइए, आगे देखते हैं क्या होता है। जी जरूर जरूर, ये टाइम में देखना है कि कश्मीर में सब आफियत है वो मेन बात है, वहाँ के लोग सेफ है। बिल्कुल वहाँ के लोग, क्योंकि ये बात तो बिल्कुल कंफर्म है कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर के लोग से हम मोहब्बत करते हैं, सारे हिंदुस्तानी उनसे मोहब्बत करते हैं, ऐसा ऐसी बात नहीं है कि हिंदुस्तानी नहीं, बहुत मेरे को क्या है, बहुत खूबसूरत जगह है, बर्बाद ना हो, खूबसूरत जगह, खूबसूरत लोग, और सबसे बड़ी खुदा की रहमत है कि वो हमारे पास में है उसका वो ये है। देखो फरहान साहब, लास्ट में ये कहना चाहता हूँ मैं कि नेहरू और सरदार पटेल साहब और सबका यही था कि जहां जहां कॉन्फ्लिक्ट हुआ पार्टीशन के बाद, जिधर इधर राजा बोले कि हम लोग पाकिस्तान को जाते हैं, तो नेहरू साहब और सरदार साहब का ये था कि हम लोग फिर लोगों को पूछेंगे। अगर वो 1947 में कश्मीर के सारे मुसलमान लोगों का और पंडित लोगों का पूरा सपोर्ट इंडिया के लिए था, ये पता नहीं कैसे किधर आ गया, मैं तो जित कहीं भी कौन सी पार्टी रूल करी आप जानते हैं, सत्यानाश करी सो वही पार्टी। ठीक है शरियार भाई, फिर देखते हैं, बात करेंगे। जी जी ओके, शुक्रिया, ओके थैंक यू।